हम सब का इकट्ठा होना इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक मैसेज दें पूरे दुनिया को दें कि बलूचिस्तान के लोग खासकर डेरा मुफ्ती के लोग उन पर जितने भी धमाके हों उन पर जितने भी दहशतगर्दी के वाकया हों फिर भी वो अपने मुल्क के लिए इकट्ठे होकर एक साथ खड़े हैं। बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे। आपको ये पता होगा कि चंद हफ्ते पहले जिस टाइम हिंदुस्तान ने सोचा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, जब उसके जहाज आए पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जबरदस्त तरीके से उनको गिराकर उनको ऐसा जवाब दिया कि जिंदगी में उनको पहले कभी नहीं मिला था। तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। हम कमजोर नहीं होंगे, हम बदज़हन नहीं होंगे, हम लोगों के रग में बहुत सा खून है, ये मुल्क के लिए हर कतरा ये कुर्बान करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और चंद हफ्तों से आप देखें कि दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा होते जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चीज पर तहकीकात करना चाहिए कि जब हिंदुस्तान के जहाज गिरे उसके बाद हिंदुस्तान अपना मुंह नीचे कर वापस चला गया है। और हमारा बड़ापन देखें, हमारे हुकूमत ने हमारे अफवाज पाकिस्तान ने आपका पायलट आपको वापस कर दिया। ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी मेहमान नवाजी थी। यही जज्बे के साथ हम हमारे बच्चे हमारे आने वाले नस्ल रहेंगे और इंशाल्लाह यही जज्बे के साथ पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान की दिशा के लिए बुकनी कौम बलोच कौम खड़ी है। मुकाबला कभी भी करना इंडिया, कभी भी बॉर्डर पर बुला लो, पहले भी मुंह की खानी पड़ी, अभी भी मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान गारे जमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे। रब के प्यारों कहे एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमान। रब के प्यारों कहे एक हसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमान। ए बहारे चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे।